ग्रेटर नोएडा में दूषित पानी की सप्लाई का आरोप है। दूषित पानी पीने की वजह से 50 से ज्यादा ऐसे लोग जो कि बीमार हो गए हैं। बीमार होने के बाद हालत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सुपरचेक इको विलेज 2 सोसाइटी का ये मामला सामने आया है, जहां पर गंदा पानी पीने की वजह से, दूषित पानी पीने की वजह से 50 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। सुपरचेक इको विलेज 2 सोसाइटी का ये पूरा मामला। तो सोसाइटी के लोगों में गुस्से का माहौल है कि गंदे पानी का सप्लाई वहां पर होता है, जिसे सोसाइटी के लोगों ने पिया, बच्चों ने पिया, महिलाओं ने पिया, बुजुर्गों ने पिया, और उसके बाद फिर उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई और तकरीबन 50 से ज़्यादा ऐसे लोग एक एक करके जिनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई और फिर उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, वहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। दूषित पानी का सप्लाई का आरोप यहाँ पर ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी के लोगों ने लगाया है। ऐसे में संबंधित अधिकारियों के ऊपर अब लोगों का गुस्सा फूटता हुआ अब जवाब मांगा जा रहा है कि गंदे पानी की सप्लाई सोसाइटी में क्यों की गई, कैसे की गई। सुपरचेक इको विलेज 2 सोसाइटी का ये मामला है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इको विलेज 2 सोसाइटी में दूषित पानी पीने से 200 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। मैं इसी सोसाइटी में मौजूद हूं, जहां पे देर रात तक जो है 150 से ज्यादा लोग थे वो बीमार हुए हैं। बताया जा रहा है कि 150 परिवार के आसपास है जिनका देर रात तक इलाज चला। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है सोसाइटी के। क्या सिचुएशन और क्या किस वजह से इतने लोग बीमार हुए? ये पानी की वजह से ही है, और तो मुझे लग नहीं रहा कुछ है। पेट में दर्द होता है, काफी वोमिट टाइप से होता है, और फिर पेट में दर्द होते होते फिर लास्ट में फिर कल रात में फीवर भी आ गया था। फिर मैं डॉक्टर से कॉन्टेक्ट किया, सारे मेडिसिन वगैरह दिए हैं, कुछ तो ठीक है, बट फिर भी वही पानी हम पी रहे हैं, तो फिर तो सिचुएशन तो सेम ही होगी ना। तो अभी भी सेम सिचुएशन है, तो अभी भी सिचुएशन वैसी की वैसी हो गई। क्या बताया किस वजह से इतनी सिचुएशन खराब हुई यहाँ पे? अब जो पता चला है, अब जैसे हम डॉक्टर के पास ले गए थे तो उन्होंने बोला कि लगभग मुझे लग रहा है उसी की दिक्कत है पानी की। हम सोच रहे थे हमने कुछ गलत खा लिया है, कुछ हो गया है, पूरी फैमिली में लूज मोशन होने लग गए, उल्टी वोमिटिंग होने लग गई। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब ये पानी की दिक्कत है। एक हफ्ते पहले शायद इन्होंने टैंक साफ कराया है, उसके बाद से दिक्कत आ रही है। एक हफ्ते पहले ही टैंक साफ हुआ है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। अभी कितने लोग बीमार बताए जा रहे हैं, कितने परिवार हैं? देखिए, अभी तो जस्ट मैं अगर लिस्ट देखूं तो लिस्ट में 70 फैमिली का आया है, लेकिन ये संख्या 200 से ऊपर है। ठीक है, ये दो तीन बहुत सारे लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे वो बालक जा रहा था तो ग्रुप में नहीं है, वो लिस्ट में नहीं है, तो 200 से ऊपर फैमिली प्रभावित है, और एक एक फैमिली में चार चार लोग पीड़ित हैं। और ये तो सिर्फ फैसिलिटी नहीं, इसके लिए अथॉरिटी को भी जवाबदेही लेना पड़ेगा, क्योंकि पानी तो अथॉरिटी देता है, तो अथॉरिटी का भी ये नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि महीने दो महीने पे कम से कम पानी तो टेस्ट करो। तो मेरे समझ से अगर फैसिलिटी जिम्मेवार है तो उसमें अथॉरिटी भी जिम्मेवार है। अभी स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की टीम आई, क्या देखा? अभी तक तो कोई टीम यहाँ पे विजिट नहीं करी है। अभी जैसे पता चला है अभी टीम अपने जो फ्रेंड से कि 12 बजे तक का उनका विजिट करने का टाइम है, तो देखते हैं कि 12 बजे आते हैं तो फिर उनसे बात करते हैं। किसी की सिचुएशन क्रिटिकल किसी हॉस्पिटल में? हाँ, कुछ बच्चे जैसे अभी यार दोस्तों पे चला है कि कुछ बच्चे हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए हैं, बट क्रिटिकल लेवल पे तो नहीं कह सकते क्योंकि ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली नहीं है किसी की क्रिटिकल कोई बच्चा है। तो ये तमाम वो लोग हैं जो सोसाइटी में रहते हैं, जिनका कहना है कि 150 से ज्यादा परिवार है जिनके देर रात बीमार हुए थे, करीब 400 के आसपास लोग होंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीम 12 बजे के आसपास आएगी जब तमाम चीजें जो है वो चेक करेगी, लेकिन फिलहाल देर रात तक हड़कंप का माहौल रहा। अब देखना होगा कि इसमें लापरवाही किसके सामने आती है जब तमाम जो जांचें हैं वो जब शुरू होगी। शिव त्यागी, जनतंत्र टीवी, ग्रेटर नोएडा।